हेलो नमस्कार, नमस्कार, मैं आपका स्वागत हूँ। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में आ रही समस्याओं को लेकर क्या कहना है प्रदेश सचिव का, और अतिथि शिक्षकों की समस्या का कब तक समाधान किया जाएगा, पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। वो अतिथि शिक्षक रणनीति तैयार कर रहे हैं मंगलवार को भोपाल में पहुँचने के लिए। वहाँ पर मौन धारण करके अनशन करेंगे ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सके। तो अभी प्लानिंग तैयार की जा रही है। अतिथि शिक्षकों को जो ट्रांसफर प्रमोशन से बाहर हो गए अतिथि, उनको पुनः नियुक्त करने के लिए भी सरकार से मांग की जा रही है। और जो 30% से कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षक, उनकी भी नियुक्ति की मांग की जा रही। तो सभी मांगों को रख के मंगलवार को हो सकता है DPI में बात की जाए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है प्रदेश सचिव का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, कब तक हो जाएगी और कब तक पोर्टल में अपडेट किया जाएगा। वीडियो बने रहें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे नई अपडेट पाने के लिए। अभी मेरी परिहार जी से बात हुई थी, हम लोग मंगलवार की प्लानिंग कर रहे हैं। 22,000 शिक्षक जो बाहर हो रहे हो, जिनको समस्याएं हैं, सभी लोग अगर मंगलवार को DPI पहुंचते हैं, अगर डेट फिक्स हो गई, बात चल रही है, मुझे उम्मीद है कि सभी संगठनों में सहमति बनेगी और सभी लोग सत्याग्रह के रूप में जाएंगे, मौन धारण करेंगे और भूख हड़ताल में जब तक हमारा जो जो हमारी मांगे हैं। पहली बात, अनुभव के अंक पर वर्ष 10 अंक दो, जिससे जहां भी रिक्त पद हुए हैं वहां पे हमारे अनुभवी साथियों को मौका मिले जो बाहर हो चुके हैं। दूसरा, जो ये खेल खेला जा रहा है हम लोगों को ऑपरेशन के नाम पे, आज 3 महीने से यही चल रहा है। कहीं पैनल का क्रिएट करवा लो तो कहीं टेट ऐड करवा लो तो कहीं ये करवा लो तो कहीं वो करवा लो, जिसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, उग्रता इसलिए जरूरी नहीं है, अगर हम उग्रता करते हैं तो हमारा आंदोलन 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम मिलके सत्याग्रह के रूप में 10,000 लोग अगर भूख हड़ताल में वहां बैठ गए, मरे जिए वो, अब ये छोड़ के पूरे रास्ते लॉक कर दो ना, कहीं से DPI कोई एक व्यक्ति 9 बजे सुबह से वहां बैठ जाओ तो जब तक अपना काम खत्म ना हो जाए तब तक वहां से हिलना नहीं है। अगर ये कर सकते हो और अगर नहीं तैयार होता कोई भी अध्यक्ष या कोई सच भी, तो आम अतिथि कोई सूचना नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई अध्यक्ष, ना कोई सचिव, ना कोई कुछ, सिर्फ और सिर्फ आम अतिथि मिल करके DPI का घेराव करेंगे। जो होगा देखा जाएगा, लट पड़ेगी लट खाओ, जेल जाना है जेल जाओ, कभी भी इतने लोगों पर केस नहीं बनता। और अगर अभी भी खून ना खोले तो फिर आराम से घर में सो। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मतलब ही नहीं है, वो तो देखते हैं कि एक बात मैं बोलता हूं, आप लोगों ने सुना होगा मेरे मुंह से हमेशा, कि भगत सिंह पैदा हो, राजगुरु पैदा हो, सुखदेव पैदा हो, लेकिन कहां, हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। और यही आज तक हमारे संगठन में, हमारे लोगों में होता आया है, इसीलिए हम पीछे हैं। जब तक खुद पर नहीं पड़ती ना, वो व्यक्ति गाली देता है, अरे ये तो ऐसा कर रहा है। मैं बता दूं आप लोगों को कि अभी कल से मेरे पास वो लोग फोन कर रहे हैं जो मुझे ग्रुपों में गाली देते थे, अरे ये तो लूटता है, ये तो ऐसा कर रहा है, ये तो वैसा कर रहा है। वो फोन करके मुझे बोलते, भैया मेरा करवा दो यार, मेरा ऐसा हो गया, जो लगे खर्च में दूंगा। जो आज तक लोगों को गाली देता है, अरे ये तो फर्जी है, ये तो केस कोर्ट केस के नाम पर ये कर रहा है, अतिथियों को बेवकूफ बना रहा है, वो फोन कर रहे हैं कल से। सबसे बड़े दोगला वो अतिथि शिक्षक है जो फ्री में स्कूल जा रहा है, सबसे बड़ी दोगला। और सबसे बड़ा कारण ये जो हो रहा ना, उसका कारण, क्योंकि बिना नियुक्ति के 1 रुपए नहीं मिलने वाले। पूरा जुलाई लोग स्कूल गए हैं, पूरा अगस्त स्कूल गए हैं और अभी भी स्कूल जा रहे हैं। मुझे पता है कि 60% से ज्यादा लोग स्कूल जा रहे हैं। बुरुआ जी बिल्कुल 100% आप सही बोल रहे हो। पता नहीं कैसे IAS बन गए, कैसे IPS बन गए, मैं समझ में प्रमुख सचिव के पास जाओ, हमको कुछ नहीं पता, आप वो जाकर उधर बात करो। आयुक्त के पास जाओ, हमको कुछ नहीं पता, अरे 3 महीने से झक मरवा रहे हो क्या बैठ के।
आप कुर्सी में क्यों बैठ रहे हो? क्या बोलते हैं, महापंचायत की घोषणा किसने करवाई, जाओ उसके पास जाओ। अरे भैया हम तुमसे बात करने नहीं आ रहे हैं, हम जो कुर्सी में बैठ रहा हम उससे बात करने आ रहे हैं। देखिए मुझे संगठन से कोई मतलब नहीं, किसी भी संगठन से। मेरे पास जो व्यक्ति आया होगा, मैंने जिंदगी में नहीं पूछा कि तुम किस संगठन से बिलोंग करते हो, तुम किसे सपोर्ट करते हो। मेरा काम इतना है कि जो अतिथि शिक्षक परेशान है, जो लोग जिन लोगों का काम नहीं हो पा रहा है, मेरा प्रयास रहता है कि मैं उन लोगों की हेल्प करूं और उनका जितना हो सके, और लगभग जो मेरे पास आए होंगे हमने उनका काम करके दिया है। कुछ लोग शंभू चरण दुबे जी का गुणगान करते रहते हैं, शंभू भैया ऐसे कर देंगे वैसे। अरे भैया करो, कब करोगे? जब जब हम समस्या में घिरते हैं बस सुनाई पड़ता है, गुणगान होता है, अभी तो सामने आज तक व्यक्ति आया नहीं। मैं कभी भी किसी व्यक्ति बारे में नहीं बोलता, मैं हर उस व्यक्ति का सम्मान करता हूं जिसने अतिथि शिक्षक को यहां तक लाके खड़ा किया, चाहे वो मनोज मिश्रा जी हों, चाहे केसी पवार जी हों, चाहे संतोष कहा हो, चाहे अजय पाल राठौड़ जी हों, चाहे अतुल शर्मा जी हो, चाहे जो भी साथी हैं, हम सबका सम्मान करते हैं क्योंकि सबने कुछ ना कुछ हमारे संगठन के लिए किया है। अब समय यही है कहता है कि जग जाओ, अब हमारी जो साख है अंतिम सांस ले रही है। मैंने पहले ही कहा था, ये मेरी फरवरी की भविष्यवाणी थी कि 25,000 में समेटने के चक्कर में है डीपीआई, और इस बार वो सच्चाई नजर आ रही है। कितने लोग परेशान है, किसी के जो काम सरकार के पास पूरा गुडविल है, पूरा पूरी लॉबी बैठी हुई है, एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे। चार दिन से कछुए की चाल चलते जा रहे हैं, कभी ये आ रहा है तो कभी वो आ रहा है, उसमें भी रोज डेट हर तीसरे दिन, जैसे बंदर नहीं बस। और हम लोग क्या है, डीपीआई ने एक वो फेंका, बंदर गुलाटी मारना शुरू, और हम लोग वही करते हैं। पिछले एक साल से पहले पात्रता परीक्षा ऐड करवाओ, हम उसमें घूमते रह गए। फिर अनुभव बनवाओ, पूरे गर्मी में मार्च अप्रैल मई पूरा अनुभव चक्कर में घूमते रह गए। फिर इसके बाद एक और वो फेंका कि अब ऐड कराओ पैनल अपना अपना, उसके पीछे घूमते रह गए। अब खेल रहे हैं तारीख पे तारीख, एक 24 तारीख को आदेश होता है 1 से 7, फिर आदेश होता है 6 से 12, फिर आदेश हो गया 17, अभी आगे वो बढ़ेगा। मैंने बाद में बता दूं, अगस्त का पेमेंट किसी को नहीं मिलना, कभी तुम ज्वाइन कर लो, तुमको मानदेय भुगतान आपका सितंबर से ही होना है। देखिए अब न्यूज ये जो भी है, मुझे वाह वाह नहीं चाहिए, मुझे लोग गाली भी अब देते हैं तो मैं हाथ ही जोड़ता हूं। मुझे पता है कि वो बीमार है, भगवान को गडविल सुल करे। मैं तो किसी को भी उठ पकड़ के जवाब ही नहीं देता, कितना बुरा लिखो मेरे बारे में। मैं फेसबुक में कमेंट करते हैं फालतू के, मैं तुमको हाथ जोड़ता हूँ भैया, बहुत अच्छे, आप ही बड़े हो हम ही छोटे हैं, हम कर रहे हैं। यहां भी लोग कमेंट करते हैं, मैं वहां भी हाथ जोड़ता हूँ, भैया आप ही अच्छे हैं। कुछ लोग कहते हैं क्यों करते हो, बंद कर दो। भैया मैं उनके लिए नहीं करता, मैं उस व्यक्ति के लिए दौड़ता हूं जो रियल में परेशान है, जिसको पता नहीं है कि हम कैसे ये काम करें। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे जो टेक्निकली काम नहीं कर पाते। पूरा जुलाई निकाल दिया इन लोगों ने, आज तो डीपीआई में कोई अधिकार, इस समय तो ये हालत है कि अतिथि शिक्षकों के नाम से जो सेक्शन बना हुआ है वो पूरा बंद पड़ा रहता है, वहां कोई मिलता ही नहीं। आज आदिवासी दिवस था, बहुत सारे अधिकारी लोग भी आए नहीं थे, तो फिर भी हम लोग एमपीडीएससी और मैं गुर्जर साहब, आज हमारे बीजा के कुछ साथी आए थे, हम लोग एमपीडीएससी में रुक करके कई सारा काम करवा के आए। डीपीआई रुक मेला, अरे भाई आज नहीं रोज जाते हैं वहां, लगता है मेला, चाहे काम कुछ भी ना हो पर लगता है वहां मेला डीपीआई में। मैंने कल भी बोला था कि जिन लोगों को समस्याएं हैं, जिस स्कूल में ट्रांसफर या प्रमोशन से कोई टीचर नहीं आ रहा है, उस स्कूल का पद मैं क्रिएट करवा दूंगा। आप लोग आवेदन बना करके मुझे भेजेंगे, बार बार फोन कम से कम लगाओ आप लोग।